ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं थोड़ा सा रोस्ट। तो रोस्ट क्या है, मैं कैजुअली ऐसे ही वीडियो देख रहा था, जैसे देखते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड देन मुझे एक ऐसी चीज़ मिली। मतलब पहले तो मैं शॉक हो गया। बातें मैं कम करूंगा, पहले आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। गाइस, आपने ये चीज देखी होगी तो इसमें सोचा होगा कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए, ये तो सब देखते हैं। लेकिन नहीं नहीं, इसमें एक चीज होता है। So guys, ये आपने देखा, ये है मॉम और सन है ये। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था ये मॉम और सन? अबे भाई, मुझे तो ये वो लग रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि ये कौन से हैं, तो गाइस ये हैं रचना जी। हैशटैग डाला भी है, मॉमी रचना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसी वजह से मैंने रोस्ट वीडियो, इसी वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी। मैं फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि मॉम एंड सन एंड इस तरह के कैजुअली मिल रहे हैं। गाइस, अभी मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ और उसको देख के आपको बताना है कि ये कौन है। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन, जिनकी अकल मिलती है वो सच्चे दोस्त, और जिनकी ना अकल मिलती है ना शक्ल मिलती है वो मियां बीवी। कहाँ जा रहे हैं? जहर ले गए हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस, ये आपने सोचा कि ये इनके फादर हैं, लेकिन नहीं, ये इनके हैं हस्बैंड जी। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लगाऊं कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अबे बाल कटवाने की बात कर, तुम पूरा मुंडा भी हो जाए तब भी तो 70 साल का मुंडा लगेगा ही लगेगा। गाइस, इससे ये पता चल गया कि ये लोग का तो लव मैरिज हो ही नहीं सकता। ये जरूर ये लड़का पैसे वाला होगा, तभी तो इससे इसकी शादी हुई है। एंड गाइस, दिस इज माय फर्स्ट रोस्ट वीडियो के हिसाब से चलना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।